जिला आबकारी विभाग चाहे जितनी भी कार्रवाई लाइसेंसी दुकानदारों पर कर ले, लेकिन उसके उपरांत भी दुकानदार अपनी हरकतों से बाज नहीं आते। समय समाप्त होने के बावजूद भी अधिकतर शराब की दुकान से शराब की बिक्री होती नजर आ रही है। चंद रुपयों के लालच में समय खत्म होने के बावजूद भी शराब को बेचा जा रहा है। ताज नगरी आगरा में शराब आप कभी भी खरीद सकते हैं, ये बात हम नहीं कह रहे। सोशल मीडिया पर लगातार वायरल हो रहा वीडियो इस बात को बयां कर रहा है। ताज नगरी आगरा में शराब की दुकानों के खुलने का समय मात्र 12 घंटे का होता है। सुबह 10 बजे से रात 10 बजे तक यहां दुकान को खोला जाता है और यहां से शराब की बिक्री होती है, लेकिन रात 10 बजे के बाद और सुबह 10 बजे से पहले शराब की बिक्री अधिकतर दुकानों से होती देखी जा सकती है। आबकारी विभाग ने जनपद आगरा को कई सेक्टर में बांट रखा है। अलग अलग सेक्टर में खुली शराब की दुकानों से समय के उपरांत शराब की बिक्री होती है, जिससे यह साफ जाहिर होता है कि कहीं न कहीं आबकारी विभाग के निरीक्षक की मिलीभगत से यह शराब समय के उपरांत बेची जा रही है। जिला आबकारी अधिकारी नीरज कुमार द्विवेदी की माने तो विभाग समय समय पर ऐसी दुकानों पर कार्रवाई करता है जो समय समाप्त होने के बाद भी शराब की बिक्री करते हैं। पिछले 2 सप्ताह से हम लोग लगातार इस बात का अभियान चला रहे हैं। जो भी सूचनाएं प्राप्त हुई थी उन पर कार्रवाई भी की गई है, पीछे उनसे जुर्माना भी जमा कराया गया है और लगभग पूरी तरह से इस समय से पूर्व और पश्चात की बिक्री पूरी तरह से प्रतिबंधित हो गई है। कुछ घटनाएं अगर हैं उनकी जानकारी मिलने पर अवश्य उन पर कार्रवाई की जाएगी। रामबाग से नुनियाई रोड पर एक मॉडल शॉप है जहां पर पूरी रात इस तरीके का शराब मिलती है, उस पर किस तरीके की कार्रवाई की जाएगी? पिछले माह में उधर कुछ वीडियो हमको उस क्षेत्र के प्राप्त हुए थे जिन पर कार्रवाई की गई, जिनमें मैं स्वयं भी गया था। इस समय पूरी तरह से बंद है, किंतु कोई भी प्रामाणिक सूचना मिलेगी तो अवश्य कार्रवाई की जाएगी। ठीक। आगरा की प्रमुखतम चौराहे में से रामबाग चौराहे की भी एक मॉडल शॉप की समय समाप्ति होने के बाद नियमों को ताक पर रखकर लाइसेंसी दुकानदार अवैध रूप से शराब की बिक्री करते दिखाई दे रहे हैं। शराब के शौकीन शटर के नीचे से निर्धारित रेट से ऊपर पैसों को देकर शराब खरीदते हुए दिखाई दे रहे हैं। जब इस मामले में सेक्टर 1 के आबकारी निरीक्षक अरुण सिंह को अवगत कराया गया तो क्षेत्रीय निरीक्षक अरुण सिंह ने वीडियो के आधार पर कार्रवाई करने की भी बात कही। प्रातः दर्पण न्यूज के लिए आगरा से संवाददाता चंदन सिंह की रिपोर्ट।